हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पुराने कपड़ों की हेल्प से ये बिल्कुल नए तरीके से नए डिज़ाइन का एक पैरदान बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर पीस ले लिया है 4.5 बाय 4.5 इंच का, और इसके अकॉर्डिंग हम स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे। तो एक पुरानी शर्ट है, कुछ मेरे पास पुरानी शर्ट हैं और कुछ मेरे पास पजामे हैं, कुछ ओल्ड दुपट्टे हैं, तो उनमें से हम इस तरीके के स्क्वायर पीस काट लेंगे। तो एक पार्ट के लिए 27 से लेकर 30 पीसेस की एक पार्ट बनाने के लिए, कुछ हमने ब्लैक कलर के पीसेस बाद में कटिंग किए जब हमें लगा कि पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ और पीसेस हमने बाद में काट लिए थे। तो देखिए अब इस पीस को हम फोल्ड कैसे करेंगे, बिल्कुल नए तरीके से हमने आज इसे फोल्ड करना सीखेंगे। ऐसे हमें फोल्ड करना है और स्टिच लगा लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लड़ियाँ तैयार कर ली है, तो बाद में हम और भी तैयार करेंगे, अभी तो हमने इतनी कर ली। अब बेस के लिए हमने यहाँ पर एक ओल्ड जीन्स में से 21 इंच बाय 21 इंच का स्क्वायर पीस बना के तैयार कर लिया है, और इसका हम सर्कल कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें सर्कल का मार्क लगाना है सेंटर से 11.5 इंच पे, और इसकी कटिंग कर लेनी है। या फिर आपके पास कोई बड़ा बाल्टी का ढक्कन हो तो उससे आप काट लीजिए, या कोई परात हो बड़ी वाली तो उससे भी काट सकते हैं। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब देखिए जो हमने कॉर्नर इसके बनाए हैं, इस पर हम हल्के हल्के कट लगा लेंगे, और नेल से इसे हमने थोड़ा सा प्रेस कर दिया था, अब इस पर हम मार्क लगा लेंगे। जो ये मैं मार्क लगा रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ चौक से। अभी फाइनल मार्क जो हम लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे। तो ये हल्के मार्क हैं, थोड़े कैमरे में सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा, तो ये मार्क हमने लगा लिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसका हाफ कर लेंगे, जो कि आएगा 5.5 इंच। अब यहाँ से हम ऊपर की साइड 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, और ये हमारा फाइनल मार्क हो जाएगा। हल्का सा कर्व दे के हमें जो है फाइनल मार्क लगा लेना है। तो सारी की सारी हमने लाइनें फाइनल कर ली है। सबसे पहले इसका बेस का जो किनारा है वो फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग हो जाए। अब कोई भी एक कलर की लड़ी लेंगे और उसे हम यूं स्टिच कर लेंगे, ऐसे देखिए करके दिखा रही हूँ, यूं हमें स्टिच लगानी है। और इसके बेस पर भी हम स्टिच लगा लेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ उठे ना, अच्छे से फिक्स हो जाए। फिर हम नेक्स्ट लड़ी लगाएंगे, वो इस तरीके से लगाएंगे कि जो पहले वाला हिस्सा है वो ओवरलैप हो जाए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए एक जो हमने लाइन लगाई थी कर्व वाली, उस लाइन से दूसरी लाइन के बीच में हमें एक कलर की लड़ियाँ लगानी है। इसका भी बेस हमने स्टिच कर लिया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लड़ी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा एंड तक कंप्लीट कर लेना है इसको। बेस की स्टिच भी मैं साथ के साथ लगा दी जा रही हूँ। अब नेक्स्ट हम लेंगे लड़ी। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा सेंटर की तरफ, तो ये कम कम होती जाएगी, क्योंकि मार्क के अकॉर्डिंग हमें इसे लगाना है। अब देखिए मेरे पास येलो कलर के उतने ही थे, तो अब मैंने ये चुन्नी वाला फैब्रिक ले लिया है, तो अब हम इसे स्टिच कर रहे हैं। येलो से मिलता जुलता ही कलर है, तो इसे भी हम एंड तक लगा लेंगे, सेंटर तक।
तो देखिए हमारा एक कलर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे और इसे भी सेम तरीके से जैसे कि हमने पहले वाला कलर स्टिच किया इसे भी कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसी तरीके से हम डिफरेंट कलर लगा के पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया। सेंटर के लिए हम एक सर्कल जो है कपड़े का कटिंग कर लेंगे और इसके दूसरी तरफ ये एक हमने कपड़ा लेना है और इसे सर्कल को यूं हमें स्टिच लगा लेनी है। थोड़ा सा हिस्सा हमें बगैर स्टिच किए छोड़ देना है ताकि हम इसे टर्न कर सकें। तो देखिए दोस्तों हमने ये सर्कल जो है बना के तैयार कर लिया है और इस पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से इसे टर्न करके राइट साइड को निकाल लेंगे और इसकी जो छोटी छोटी कतरन है कपड़े की वो हम इसको अंदर फिल कर लेंगे हल्की सी ताकि थोड़ा गुदगुदा हो जाए। तो अब इसे हिस्से को हम बंद करेंगे और सेंटर पे से स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये डोरमेट बनके तैयार हो गया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के DIY वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे इस तरीके के बहुत से वीडियो हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।